महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिंदे कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। मुंबई में टोल प्लाजा पर टैक्स नहीं लगेगा। मुंबई में एंट्री करने वाले 5 टोल बूथों पर सभी छोटी चार पहिया गाड़ियों के लिए टोल टैक्स को माफ कर दिया गया है। आज रात 12 बजे से ये लागू होगा। महाराष्ट्र के मंत्री दादाजी दगड़ू भुसे ने कहा कि मुंबई में प्रवेश के समय दहिसर टोल, आनंद नगर टोल, वैशाली, एरोली और मुलुंड सहित 5 टोल प्लाजा थे। इन टोल पर 45 रुपए और 75 रुपए वसूले जाते थे। ये 2026 तक लागू था। लगभग 3.5 लाख वाहन आते जाते थे, उनमें से लगभग 70,000 भारी वाहन थे और 2.80 लाख हल्के वाहन थे। आज सरकार ने रात 12 बजे के बाद हल्के वाहनों को टोल से छूट देने का फैसला किया है। लोगों का जो समय कतारों में लगने में बर्बाद होता था, वो अब बचेगा। सरकार कई महीनों से इस पर चर्चा कर रही थी और आज ये क्रांतिकारी फैसला लिया गया है। मुंबई में एंट्री प्रवेश करते वक्त जो 5 टोल नाके थे, मुलुंड, दहिसर, वाशी, एरोली, तो ये 5 टोल पर 45 रुपया और 75 रुपया टोल लिया जाता था। 2026 तक इसका मुदत था। लगभग 3.5 लाख व्हीकल दर रोज अप डाउन करते थे, उसमें लगभग 70,000 व्हीकल हेवी व्हीकल है और 2,80,000 ये लाइट व्हीकल है। आज सरकार ने जो लाइट व्हीकल्स है उनका टोल में रात 12 बजे से छूट देने का निर्णय सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ 45 रुपया और 75 रुपया सहूलियत सभी टोल को मिलेगी। जो लोगों का लाइन में लगना, पास निकालना, इसके लिए जो वक्त जाता था, उनके समय की बचत होगी। चुनाव के मद्देनजर ये निर्णय, बिल्कुल ऐसा कुछ विषय नहीं। 2026 तक इसका मुद्दत था और इसके बारे में कई महीनों से सरकार इसके बारे में विचार विनिमय कर रही थी।